हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने एमएस वर्ड कंप्लीट करा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखे थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं पावर पॉइंट से, तो इसमें कुछ नया नहीं है। जब भी आपको कोई चीज़ को प्रेजेंटेशन देना हो तो यू हैव टू क्रिएट प्रेजेंटेशन नॉट ओनली कंप्यूटर, इन एनी सब्जेक्ट यू कैन क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप किसी भी सब्जेक्ट्स पे पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑफ एनी टॉपिक और एनी सब्जेक्ट, यू कैन क्रिएट इट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है और इससे आप क्या-क्या काम कर सकते हैं। इसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है, ये होती है स्लाइड। ये एक स्लाइड कहलाती है, ये आप देख ही रहे हो। और स्लाइड का ये लेफ्ट साइड एक नॉर्मल व्यू है। इस स्लाइड में आप क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल डाल सकते हैं, मूवी डाल सकते हैं, साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं, एनिमेशन ट्रांजिशन डाल सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एनिमेटेड लगे वो आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। इसके जब हम बेनिफिट की बात करते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट इसमें मिलते हैं। एक तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनता है, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .ppt होता है। .ppt-x 2007 के पहले के वर्जन में ppt होता था। अब एक्सटेंशन होता क्या है, फाइल के हम जैसे हमारे नाम के साथ सरनेम होता है, ऐसे ही फाइल के नाम के साथ भी सरनेम हम बोल सकते हैं। तो वो जो सरनेम कहलाता है वो प्रेजेंटेशन, मतलब .ppt-x आ जाता है। वर्ड में जैसे .docx होता है, एक्सेल में .xlsx होता है, तो पावर पॉइंट में ये प्रेजेंटेशन होता है। और ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, वीडियो, क्लिप्स, एनिमेशन और कोई भी मल्टीमीडिया के कंपोनेंट आप इसमें ऐड कर सकते हो किसी भी तरह से। तो ये आपका कहलाता है पावर पॉइंट। और स्लाइड, अलग अलग स्लाइड बनी होती है, और स्लाइड में आप ये राइट साइड जो आप देख रहे हो ये स्लाइड ही है। ये स्लाइड में ही आप किसी भी टास्क को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वैरायटी को आप परफॉर्म कर सकते हो। ये तो मैंने प्रेजेंटेशन बताया, इसमें इसको प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है जिसको स्लाइड शो बोला जाता है। तो पहले मैंने पावर पॉइंट का बेसिक बताया, मैं थोड़ा सा और आगे इस चीज़ को आपको इलोबरेट करूं। अब इसमें वर्जन की बात करें हम तो सब अलग अलग वर्जन इन्वॉल्व हैं इसमें। जब हम बात करें इसकी कि पावर पॉइंट के वर्जन कौन कौन से, तो 13 के पहले 10 आया, 10 के पहले 7 था, 7 के पहले XP 2000 दोनों थे, उसके पहले 97 और उसके पहले Office 95 वर्जन आया। तो ये पूरी सीक्वेंस चली कि Office 95, 97, 2000, XP, फिर 2003, 2003 वर्जन भी अवेलेबल हुआ, 2007, 2007 से सिनारियो थोड़ा चेंज हुआ, फिर 2010, 2013, 16, अब 19 भी चल रहा है अभी। तो ये पूरी सीक्वेंस है जो पावर पॉइंट के बारे में बताई गई है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें सेम है। 7 के बाद सिनारियो जो है वो रिबन टाइप का ही है। एमएस वर्ड में जो हमने रिबन टाइप का कॉन्सेप्ट देखा था वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है।
तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन देखते हैं ना, जो स्क्रीन यहाँ दिख रही है नीचे, वैसे की वैसे स्क्रीन यहाँ आएगी। ये इन्फो, रीसेंट, न्यू, नई फाइल बनाना, इतने सारे ऑप्शंस नए में अवेलेबल है। ब्लैंक बनाना है, टेम्पलेट्स के बाद बनाना, टेम्पलेट्स मतलब एग्जिस्टिंग चीज के साथ हमको कुछ काम करना हो तो वो टेम्पलेट्स कहलाते हैं। तो ये टेम्पलेट्स कहलाते हैं, सैम्पल टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स हैं, एग्जिस्टिंग चीज मतलब ऑलरेडी चीजें बनी हुई है। ये ब्लैंक लेंगे तो क्रिएट ब्लैंक बनेगा, जैसे ब्लैंक लेंगे ये ब्लैंक बन गया। ये आ गए आपकी दो चीज, हमेशा ऊपर वाला जो कहलाता है वो टाइटल कहलाता है, नीचे एलोबरेशन होता है। ये बात होती है इसमें प्रेजेंटेशन में। फिर आगे बढ़े हम, तो अब इसमें ये क्विक एक्सेस टूल बार, ये रहा क्विक एक्सेस टूल बार। फिर ये रिबिन, ये रिबिन है। अब इसमें रिबिन कौन कौन सी है, होम, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू, ये इनकी रिबिन टैब है, बता भी रखा है। फिर आखिरी में क्या बता रखा, हेल्प बटन, क्लोज बटन। तो यहाँ एक्टिव नहीं है ये, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन। फिर ये जो है थंबनेल पेन, थंबनेल पेन मतलब लेफ्ट साइड ये दिखता है कि आपको स्लाइड का फ्रंट कैसा दिखेगा, उसको बुलाया जाता है थंबनेल पेन। स्टेटस बार, ये नीचे जो होता है ये स्टेटस बार, ये रहा स्टेटस बार, ये लिखा ना 6 of 27 ऑफिस थीम। फिर नेक्स्ट है स्लाइड पेन, कि स्लाइड का जो एरिया है वो स्लाइड पेन कहलाता है। अब आप बोलोगे सर हमको समझ में ये क्लियर नहीं हो रहा, तो आप ये नई स्लाइड लो, ये स्लाइड पेन है और ये जो नीचे वाला एरिया है ये होता है नोट्स। ये यहाँ आप कोई भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो, किसी भी चीज को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डिस्क्राइब इट। ये पूरा स्लाइड पेन है, जो पोर्शन ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है यहाँ आप लिखेंगे वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट, यू कैन राइट इट। जैसे सपोज करो मैं खुद प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्रेजेंटेड बाय, और आप नाम लिख दो और जिस टॉपिक से रिलेटेड ही करो, जैसे अब अपन पावर पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पावर पॉइंट एक्सप्लेनेशन ये टॉपिक है और प्रेजेंटेड बाय, मैंने मेरा नाम ही लिख दिया। तो अब ये इस तरह से स्लाइड्स बनती है, काफी सारे लेआउट भी रहते हैं, हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। स्लाइड पेन, नोट्स, ये पेन, कमेंट पेन भी होता है। कमेंट पेन मतलब आपको कोई कमेंट देना हो आप उसको, तो कमेंट पेन भी होता है। फिर अब चीजें आगे आ रही है आपकी, कि टाइटल बार किसको कहते हैं। तो टाइटल बार जो आपने देखा वही टाइटल बार है। आप इसमें देखेंगे तो ऊपर ये वाला टाइटल बार है, दिस इज द टाइटल बार, और नई फाइल में आप देखेंगे तो ये वाला टाइटल बार ये रहा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर आगे बढ़े हम, इसमें सारी चीजें मैंने बता दी, टाइटल बार, एक्सेस बार, रिबिन, थंबनेल, स्लाइड पेन। स्लाइड पेन मतलब वो एरिया जहाँ पर हम लिखते हैं, नोट्स पेन, नोट्स पेन मतलब वो एरिया जहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन देते हैं उस स्लाइड के बारे में। ये रिबिन टैब का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसमें यही फाइल टैब है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू, ये इतनी सारी चीजें हैं। तो रिबन टेप तो हमने देख ही रखी है, तो उसमें वो ही बता रखा है जो ग्रुप, जैसे ये न्यू स्लाइड और उसमें एक ग्रुप दे रखा है, ये ग्रुप है स्लाइड्स का, ग्रुप ये होम पे, ये ग्रुप है, फोल्डर
फ़ॉन्ट का ये ग्रुप है, पैराग्राफ का ये ग्रुप है, ड्राइंग का ये ग्रुप है, एडिटिंग का ये ग्रुप है, ऐसा अलग अलग ग्रुप बना रखे, तो उसको आप देख सकते हो। अब क्विक एक्सेस टूल बार ये रहा, बेसिक कमांड्स इसमें अवेलेबल है। न्यू फाइल आपको बनाना हो, ओपन करना हो फाइल को, सेव करना हो, एग्जिट करना हो, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। फिर जो न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेवेस, प्रिंट करना, अंडू, रीडू, ये सारे कमांड्स आपके अवेलेबल हैं। इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ही यही होता है कि आप मेन मेन कमांड बहुत फास्ट कर लें। यू कैन परफॉर्म वेरी फास्ट थ्रू मेन मेन कमांड्स, सारे मेन मेन कमांड्स आप तेजी से कर लें, तो वो आपका कि क्विक एक्सेस टूल बार होता है। फिर आगे बढ़े हम, ये इसमें प्लेस्ड ऑप्शन, राइट क्लिक, बेस्ट टेस्ट, फाइल, होम, इंसर्ट डिजाइन। अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करते हैं हम। अब हम एक नई स्लाइड बनाते हैं, ये नई स्लाइड ली, फाइल वही रहेगी, ये सारे, इसको बोला जाता है स्लाइड लेआउट। तो स्लाइड लेआउट में अलग अलग लेआउट्स अवेलेबल है, जैसे ये है तो इसमें केवल टाइटल देते हैं और नीचे वो देते हैं, ये वाली ले रखी हमने। इसमें टाइटल ऊपर वाले में टाइटल आएगा, नीचे में कंटेंट भी आ जाएगा। ये अगर लेते हैं तो यहाँ आप टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, स्मार्ट आर्ट ले सकते हो, पिक्चर ले सकते हो, क्लिप आर्ट ले सकते हो, या कोई मीडिया फाइल ले सकते हो, ऑडियो। फिर और भी अलग स्टाइल है, ये दोनों तो ले ली, दो ये कंपैरिजन करने के लिए, ये कंटेंट करने के लिए। इसमें केवल टाइटल आएगा, ये केवल ब्लैंक आएगी, इसमें कंटेंट भी आएंगे और कैप्शन भी आएगा। लेफ्ट साइड आप कंटेंट कैप्शन दे दो और राइट साइड आप उसकी डिटेल दे दो, यहाँ पर पिक्चर भी कैप्शन दे दो, और डुप्लीकेट स्लाइड देना हो तो डुप्लीकेट दे दो। डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब होता है जो स्लाइड बनी हुई है उसी को सेकेंड टाइम फिर बनाना। वैसे ये सॉफ्टवेयर इजी है, इसमें कुछ नया ऐसा कुछ रहता नहीं जिससे आप फेमिलियर ना हो। अब हम जैसे पावर पॉइंट एक्सप्लेनेशन मैंने बोला ना, तो अब मैं नई स्लाइड इसमें लिख रहा हूँ, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। फिर इसको हम इलोबरेट कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए वेरी पॉपुलर प्रेजेंटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर। ये मैंने लिखा, यूज्ड बाय कॉमन पीपल, प्रोफेशनल, यूज्ड बाय कॉमन पीपल प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसेस टू
क्रिएट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये हमने बनाया, ये लिखा हमने, मैंने ये आपको लिखा, अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया लेआउट में। वो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, किसी भी तरह से कुछ ले सकते हो। स्लाइड में हमेशा चीजें प्रॉपरली होना चाहिए, ग्राफिक्स यूज हो, फोटो यूज हो। जैसे आप इंसर्ट में आप गए, शेप यूज करना है तो शेप ले लिया, मैंने शेप लिया एक, ये एक शेप लिया, मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने एक शेप दिया। ये शेप अलग अलग काम करेगा, कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना तो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ये इंसर्ट के कमांड चल रहा है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या, पावर पॉइंट। फिर अब प्रेजेंटेशन मान लो मेरे को इसको अब स्लाइड शो करना है, स्लाइड शो होता क्या इस बता दें, ये प्रोजेक्ट करने के स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का एक तरीका होता है। स्लाइड शो इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ स्लाइड ऑन ए प्रोजेक्शन स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस इन ए प्री डिसाइडेड सीक्वेंस। F5 से शॉर्टकट होता है, ये F5 मैंने करा, ये पहला फर्स्ट और ये सेकंड, फिर मैंने हटा दिया, एस्केप कर दिया। तो इस तरह से ये स्लाइड शो, इसको जो कहलाता है ये स्लाइड शो कहलाता है। कहां से आया F5 तो मैंने बताया, इसके अलावा ऑप्शन यहां से आया स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, ये फर्स्ट ये सेकंड, इंटरप्रेस करना होता है और ऑप्शन दिए हुए। तो हमने होम के कुछ ऑप्शन देखे, इंसर्ट का कुछ ऑप्शन देखा और स्लाइड का कुछ ऑप्शन देखा। बड़े सिंपल मैनर में मैंने आपको ये चीजें बताई जो जो आपने देखी। अब मैं आपको यहां बताता हूं इसमें कुछ नया, आपको ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाना, नई फाइल ली, नई फाइल को आपने क्या बैकग्राउंड दिया, वो ये लेआउट। अब लेआउट पे अभी हम बात कर ही रहे हैं, थीम्स पे प्रेजेंटेशन क्लोज करना, स्लाइड कैसे ऐड करना। तो अब इसमें मैंने अभी आपको ये समझाई सारी चीजें, टाइटल में टाइटल सबटाइटल आता है, टाइटल और कंटेंट में टाइटल भी आता है, और कंटेंट जो आपको लिखना हो उसमें टेबल टेक्स्ट चार्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पिक्चर ऑडियो वीडियो ये सब। ये सेक्शन हेडर, सेक्शन लेना हो टू कंटेंट, मैंने अभी आपको बताया ये रहे टू कंटेंट, ये रहे टू पॉइंट, ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही है। तो ये मैंने बताया, आप जैसे मेरे को अब नई स्लाइड ऐड करना है इसमें, तो ये नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। अभी मैंने एक करी, एक और मैं करता हूँ, जैसे मैं टाइटल और कंटेंट वाली ले लेता हूँ, ये इसी को मैं लिख सकता हूँ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और नीचे आप थोड़े छोटे फ़ॉन्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कंटिन्यू, इसको आप ऊपर सेट कर सकते हो, टाइटल है तो ऊपर और नीचे आप ये ले, अलाइनमेंट आपको लेफ्ट सेंटर राइट, ये लेफ्ट लिया, ये सेंटर ये राइट, तो ये हमने स्लाइड कैसे ऐड करी है मैंने बताया।
अब इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे बनाए, गुड प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड्स को सिंपल रखें, इसमें हम बुलेट लेते हैं, ये बुलेट ली है ना, कलर थोड़ा सा कीप द स्लाइड सिंपल सिंपल विथ नॉट मोर देन 10-12 वर्ड्स पर पेज। सिंपल बस ये ले लेते हैं। सेकंड, स्लाइड शुड बी इजीली रीडेबल, स्लाइड शुड बी इजी इजीली रीडेबल। थर्ड है, आप उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, मेक योर फर्स्ट और सेकंड स्लाइड एन आउटलाइन ऑफ योर प्रेजेंटेशन, मेक योर फर्स्ट और सेकंड स्लाइड एन आउटलाइन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स हमको ध्यान रखना चाहिए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट नहीं हो, डू नॉट यूज ए कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट। ग्राफिक्स प्रॉपर यूज हो, यूज इफेक्टिव ग्राफिक्स, ये पॉइंट्स हमको ध्यान रखना चाहिए जब भी बनाते सब। रीडेबल हो, सारी चीजें मेंटेन हो, प्रॉपर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। वैसे रेड लाइन और ग्रीन लाइन आती है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये जैसे मैं प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, ये मान के चलो, मान लो मैंने एक और स्लाइड ली, कहां से लूंगा न्यू स्लाइड, इसी से ली, अब मैं देखता हूं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। स्लाइड्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड बताना हूं मैं। एलिमेंट ई कैपिटल आ जाएगा, ये लेफ्ट अलाइनमेंट। स्लाइड कंटेन वन और मोर फॉलोइंग पॉइंट, स्लाइड कंटेन वन और मोर फॉलोइंग पॉइंट्स। प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। पहला है टाइटल और सबटाइटल ले, या फिर बुलेट ले रहा हूं, अब ये वाली बुलेट लेते हैं हम। ये कलर, इसमें कलर आप सेट कर सकते हो, टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड बुलेट टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट, बुलेट टेक्स्ट एंड प्लेन टेक्स्ट। अब बुलेट टेक्स्ट कौन सा होता है, ये जो हम पॉइंट्स में ले रहे हैं, ये बुलेट टेक्स्ट है। और नॉर्मल हमने जो लिखे हैं जैसे पहली वाली स्लाइड में,
नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको प्लेन टेक्स्ट बोला जाता है। अब इसमें और क्या है, आप क्लिप आर्ट, पिक्चर ग्राफिक्स, पिक्चर ग्राफिक्स, साउंड वीडियो एनिमेशन, साउंड वीडियो एनिमेशन, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। हेडर फुटर, और आप ये भी कर सकते हो शेप्स, वर्ड, टेक्स्ट, ड्राइंग। जैसे इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज अपन छोटी कर देते हैं, रीडेबल होना चाहिए, और बोल्ड कर दिया। शेप्स, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट, शेप्स, वर्ड आर्ट एंड टेक्स्ट। मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कौन कौन सी चीजें आपको पता होना चाहिए। हाइपरलिंक, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन इफेक्ट, अब जैसे मेरे को स्लाइड ऐसी के ऐसी कॉपी करना है। देखो मैंने ये दो स्लाइड आपको लिया, इसको गुड प्रेजेंटेशन ऊपर ले लेते हैं ये। अब मेरे को दो स्लाइड, ये दो स्लाइड कॉपी करना है एज इट इज कॉपी, और पुराने वाले में जिसपे मैं समझा रहा था उसमें मैं आपको पेस्ट करता हूँ। या भी तो गुड प्रेजेंटेशन, और ये कॉपी हो गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि नहीं बनी। अब मैं इसको वापस स्लाइड शो करता हूं, स्लाइड शो यहां से कर रहा हूं मैं, और फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब फर्स्ट से, तो जहां से अपना कर्सर होगा वहीं से आएगी, और बिगिनिंग लिखा है इसका मतलब वहीं से आएगी। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ये बिल्कुल प्लेन है। इसमें हमने कुछ भी नया नहीं करा है, कोई डिजाइन वगैरह कुछ भी हमने नया नहीं लिखा है, कुछ भी हमने एडिशनल नहीं करा है। हमने टाइटल दिया, और फोटो दिया, तो चार स्लाइड हमने ये बने। अब इसमें आप चाहें तो काफी सारी चीजें आप है जो एक्सेस कर सकते हो, जैसे थीम मैंने बताया, नया प्रेजेंटेशन आप लेंगे ये, तो इसमें आप टेम्पलेट्स भी रहते हैं, ये है थीम, ये जिस थीम पे भी आपको काम करना वो थीम आप अप्लाई कर सकते हो नई फाइल लेने के लिए। अब थीम का मतलब होता क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। थीम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, फॉन्ट, लेआउट, डिजाइन, कलर और स्कीम, द फाइव थिंग्स इन्वॉल्व इन थीम। सिलेक्टेड थीम में पांच चीजें इन्वॉल्व होती है, फॉन्ट, लेआउट, डिजाइन, कलर, स्कीम। तो ये चीजें ध्यान में रखना, और इसके अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई कर सकते हो आप, इसी को बोलते हैं थीम। आप ये वाली भी थीम ले सकते हो, और वो आपके उसमें भी अवेलेबल है। जैसे अब आप इसमें देखना, आपको तो ये डिजाइन में देखोगे तो ये थीम्स अवेलेबल है, ये इतनी सारी थीम्स आपके पास अवेलेबल है। जो थीम आपको अप्लाई करना हो वो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने ये ली, ये अप्लाई हो गई चारों जगह, मान लो आपने ये ली,
तो ये अप्लाई हो गए, ये सोबर है। और हमेशा आपकी स्लाइड्स में सोबरनेस होना चाहिए, आपकी स्लाइड्स दिखना चाहिए अभी सोबर दिख रही है। अब जैसे जहां आपको वैसे कोशिश होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड हो आपका, जैसे ये ज्यादा अच्छा है, वाइट बैकग्राउंड वाली अच्छी दिखती है जैसे ये। तो इस तरह की स्लाइड आप लेंगे तो इसमें थीम, अब इसमें देखो आप सारी चीजें आ गई, कलर फॉन्ट इफेक्ट सब आया। तो ये आपके पास अलग अलग थीम आप देख सकते हो, ये और सोबर स्लाइड है। अब ये जो थीम आती है मैंने आपको बताया ना, फोन के कलर ऑटोमेटिक सेट हो गए, देखो आप फोन के कलर ऑटोमेटिक सेट हो गए, लेआउट ऑटोमेटिक सेट हो गया, बैकग्राउंड आपका ऑटोमेटिक सेट हो गया, जैसे बैकग्राउंड में यहाँ पर ये आया, आप जैसे ये लोगे तो ये उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया, ये लिया फिर हमने। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो सेट हो गई हैं, और हम इसमें देखते हैं कि क्लैरिटी भी दिख रही है कि आपने कहाँ क्या चीज रखी है। तो मैंने आपको जो चार पांच चीजें बताई है कि फॉन्ट लेआउट, फॉन्ट लेआउट, ये पूरा लेआउट, डिजाइन इस तरह से डिजाइन, जैसे यहाँ ये वाला पोर्शन, वहां ये वाला, कलर और स्कीम, ये चार पांच चीजें ऐसी है जो फिक्स है, जो थीम में आती है। और आप थीम, एग्जिस्टिंग थीम भी यूज कर सकते हो और आप नई थीम इंस्टॉल भी कर सकते हो, ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये इसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई, स्लाइड लेआउट बताया, स्टार्ट कैसे करना वो बताया। अच्छा अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सेव, ये सेव करा मैंने, ये सेव डॉक्यूमेंट में हो रहा है। अब यहाँ ध्यान रखना, ये पावर पॉइंट आप मान लो मैंने दिया एबीसी, तो एबीसी फाइल बनी, डॉट पीपीटी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आएगा, है ना, ये डॉट पीपीटी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात है। तो हम इसमें सेव करते हैं, अब आप ऊपर देखना अभी प्रेजेंटेशन टू लिखा, अब एबीसी आ जाएगा। अब इसमें एक और बात है, ये इतने सारे टाइप्स अवेलेबल हैं, मान लो आपने ये थीम ही बनाना है, इसी को थीम बनाना है, तो ये ऑफिस थीम हो गई, पीडीएफ पीडीएफ का मतलब ये है कि ये वाली है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीडीएफ में करने में फायदा ये होता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये उसका मीनिंग होता है। और पुराने वर्जन पे आपको काम करना है तो पावर पॉइंट 97 से 2003 पे आप ये इस पे सेव कर सकते हो। मान लो जैसे मेरे ऑफिस 2010 वर्जन है, और आप स्कूल में या किसी और प्लेस पे आप जाके वर्क कर रहे हो, वहां ओल्डर वर्जन है, तो इस वर्जन में आप सेव करोगे, इस टाइप से आप सेव करोगे, तो आप किसी भी वर्जन में आप ओपन करोगे, ओल्डर वर्जन जहाँ होगा तो वहां पे आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा। और मान लो आप इसको एज इट इज इस फॉर्म में करते हैं, तो ओल्डर वर्जन में आप नहीं खोल पाएंगे, पुराने वर्जन में आप नहीं खोल पाएंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये सेव, और सेव की लोकेशन भी आपको मालूम होना चाहिए कहाँ है, ये मैंने सेव करा, डॉक्यूमेंट में सेव हुआ है, ये ऊपर नाम आ गया एबीसी, ये नोट्स है। और हमेशा ये जो परसेंटेज है ये 75% बढ़ भी जाता है, घटा भी सकते हैं, ये बढ़ाना घटाना, ये भी ऐसे ही है। क्या ये,
तो मैंने आपको आज जो बताया बहुत शॉर्ट में बताया मैंने, होम होम में नई स्लाइड, हालांकि वही लेआउट वही होता है जो मैंने आपको बताया। बेसिक चीजें मैंने बताई नहीं, बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक वाली बात। इंसर्ट में मैंने आपको शेप्स बताए, चार्ट अभी बताया नहीं। ये इंसर्ट के ऑप्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में इंसर्ट के ऑप्शन ही देखेंगे, तो आपको ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये सारी चीज़ें दिखा दूंगा, कौन सी फाइल सपोर्ट करती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे मैंने आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो प्रेजेंटेशन अपन देख रहे हैं इसमें ये आया है एक्सपोर्ट, आप GIF फाइल देख सकते हो, JPG इमेज के लिए, MPG4 ये वीडियो फाइल होती है, PDF फाइल दो प्रकार की होती है, एक विंडोज मीडिया फाइल और एक MPG4 मीडिया फाइल, ये दोनों होती है। तो ये हमने देखा इसमें कि क्या क्या चीज़ें सपोर्ट होती है, किस किस तरह से पावर पॉइंट काम करता है, बहुत बेसिक चीज़ें बताई। काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है और कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो मैंने आपको बताई। अब आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आप किस कंटेंट के हिसाब से आप एक आध कोई ऐसा टॉपिक ले और उस पर प्रेजेंटेशन बनाएं, तो उसको आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। और हेडिंग हमेशा आप ये फ्रंट वाले इसमें दें, टाइटल बार में, और डिटेल्स आप यहाँ दें। इसमें फॉन्ट साइज आप बिगर रखें, हियर यू हैव टू बिगर, कीप योर साइज बिगर, यहाँ आप स्मॉलर रखें। तो जितना मैंने आज बताया, बहुत बेसिक्स मैंने बताया, मैंने ये वाली चीज़ें जो हैं ये मैं वर्ड में बता चुका था, इसलिए मैंने आपको अगेन एक्सप्लेन नहीं करी। शेप्स आपके पास अवेलेबल है यहाँ भी, तो जो कॉमन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करी है, क्योंकि बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, ये सब आप देख चुके हो उसमें। तो आज जितना मैंने बताया मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सो यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, राइट इट ऑन कमेंट बॉक्स और टाइप मैसेज एंड आस्क मी। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेस्ट वे, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। अब प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि यू हैव टू टेक वन बुक, एक बुक लो, बुक के मेन मेन पॉइंट्स निकालो उस चैप्टर के, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, और उसके उससे उससे प्रेजेंटेशन बनाओ। तो वो सारे पॉइंट्स भी क्लियर होंगे, प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर होगा, और आप टाइप करेंगे तो आपको लर्निंग भी होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की। आप चाहें तो कंप्यूटर पे ही, पावर पॉइंट पे ही प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।